हाय गाइस, आज का हमारा टॉपिक वेरी बेसिक टॉपिक है गाइस। हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि 1 टन में कितना BTUs होता है, BTUs क्या होता है, 1 टन इक्वल्स टू कितना CFM होता है, कितना HP होता है। ओके गाइस, मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। प्लीज़ कीप कंटिन्यू ऑन माई चैनल। ओके, तो गाइज़ 1 टन इक्वल्स टू होता है हमारा 12,000 BTUs, 12,000 BTUs। ओके, ये 1 टन इक्वल्स टू 12,000 BTUs होता है। और जैसे कि आप जान रहे हो, ये BTUs मतलब क्या होता है गाइस? बी टेस्ट फॉर ब्रिटिश, टी फॉर थर्मल, यू फॉर गाइज यूनिट। ओके, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये हमारा 1 टन में 12,000 BTUs होता है। और अगर हम बात करें 1 BTU बराबर कितना होता है, 1 BTU बराबर कितना होता है, तो 1 BTUs में अगर हम HP में निकालना हो या किलोवाट में निकालना हो, तो अगर हम HP में बात करें तो 1 BTU बराबर 0.00029 3071, ये हमारा किलोवाट में हो गया। ये हमारा इतना किलोवाट में होता है, 0.00029 3071 किलोवाट। और इसी को हम अगर HP में बताना चाहें कि HP में कितना होता है, तो HP में भी हमारा 0.00029 3011, आई थिंक 148, ये इतना HP के अप्रोक्स होता है। ये HP में 1 BTU बराबर 0.00029 3071 किलो वॉट होता है। और इसको HP में अगर हम कन्वर्ट करें तो HP में हमारा 0.00029 3011 48 HP होता है। और गाइज, 1 टन इक्वल्स टू कितना CFM होता है? 1 टन इक्वल्स टू 400 CFM, सॉरी CFM होता है। 1 टन इक्वल्स टू 400 CFM। CFM क्या होता है गाइस? तो CFM के बारे में हम जानें, सी टेंस टू क्यूबिक, एफ टेंस टू फीट, CFM, एम इक्वल्स टू क्यूबिक फीट पर मिनट, पर मिनट। ओके, ये हमारा CFM का फुल फॉर्म हो गया, क्यूबिक फीट पर मिनट। 1 टन इक्वल्स टू 400 CFM हो गया। और हम अगर टन को केजी में अगर हमें लिखना हो, तो 1 टन इक्वल्स टू 1,000 केजी होता है। ओके, किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम, 1 टन इक्वल्स टू 1,000 किलोग्राम होता है। ओके गाइज, और हमको अगर ये हमारे 1 टन को किलो वॉट में कन्वर्ट करना हो या HP में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जैसे कि 1 टन इक्वल्स टू 12,000। ओके गाइज, ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 1 टन इक्वल्स टू 12,000 BTUs होता है। उसी तरह से मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बताया कि 1 BTUs इक्वल्स टू कितना किलो वॉट होता है। 1 BTUs इक्वल्स टू 0.00029 3071, ये किलो वॉट में हो गया। अब इसको हमें किलो वॉट में ये मैंने लिख दिया, तो अब 1 टन इक्वल्स टू कितना किलो वॉट होगा, कितना किलो वॉट, ये हमारा किलो वॉट में है, किलो वॉट। तो 1 टन इक्वल्स टू कितना किलो वॉट हो जाएगा? तो 1 टन इक्वल्स टू 12,000 × 0.00029 3071, ये इसको इंटू कर देंगे तो हमारा जितना वैल्यू आएगा, ये हमारा किलो वॉट हो जाएगा। तो 1 टन इक्वल्स टू हो जाएगा अप्रॉक्स
3.5168 किलोवाट के अप्रोक्स हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ओके गाइज, इसी तरह से अगर हमें वन टन को हम एचपी में कन्वर्ट करना है तो आप देख ले, वन टन इक्वल्स टू एचपी में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना एचपी हो जाएगा। ओके गाइज सॉरी, तो हमारा 1 टन इक्वल्स टू कितना एचपी हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 1 टन इक्वल्स टू 12,000 BTUs, 12,000 BTUs हो गया, और 1 BTUs इक्वल्स टू 1 BTUs इक्वल्स टू 0.00029 30148 HP हो गया। ओके, तो हमको टन को HP में निकालना है, तो सिंपली 1 टन इक्वल्स टू 12,000 इंटू 0.00029 30148, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट 4.78 के आसपास आ जाएगा। ये हमारा HP हो गया। ओके, ये हमारा 1 टन इक्वल्स टू इतना HP हो गया। ओके गाइज, ये हमारा 1 टन इक्वल्स टू 4.78 HP हो गया। ओके गाइज, ये हमारा आज का टॉपिक था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको काम आने वाली है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। ओके गाइज, थैंक यू, कीप कंटिन्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल।